एहतियातन बीमारी की वजह से बहरहाल शरीयतन दुरुस्त और जायज़ है इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया, पीपल मिक्स म्यूजिक विद एक्सरसाइज, दे से विदाउट म्यूजिक दे कांट परफॉर्म द थिंग्स व्हाट टू डू। किसी ने सवाल किया, बगैर म्यूजिक के एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कहा कि बल्कि वो कर ही नहीं पाते अगर म्यूजिक ना हो एक्सरसाइज के इसमें। तो याद रखिए आपको इसका मतलब बीमारी है, आपको नशा है, और नशा किस चीज़ का है, म्यूजिक का नशा है, जिसको सुने बगैर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। इसलिए कि एक्सरसाइज का म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये कल्चर लोगों ने बना दिया कि म्यूजिक सुन के एक्सरसाइज क्यों करते, उससे जोश चढ़ता, इधर ड्रम की आवाज़ बढ़ी कि इधर जोश बढ़ जाता, स्पीड बढ़ जाती, तो क्या होता, ज़्यादा डंबल मार लिया तो थोड़ा ज़्यादा है ना सूजन ज़रा ज़्यादा दिखती, ठीक है, और मसल्स थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ टेम्पररी स्टिमुलस जनरेट करने के लिए म्यूजिक सुनते लोग, ताकि उससे जोश चढ़े। जैसा कि मिसाल के तौर पर पिक्चर देख ली, पिक्चर में हीरो को खूब अच्छी साइकिल चला रहा, तो आप देखिए वो पिक्चर जब छूटता ना तो साइकिल चलाने कैसे भगाते, साइकिल स्टिमुलस जनरेट होता टेम्पररी कि साइकिल भगाना चाहिए, ठीक। एक्सरसाइज में भी सेम, लोगों ने गाने सुनते ताकि हैवी एक्सरसाइज भी कर ले कम वक्त में, कम उसमें ज़्यादा वेट उठा ले, क्योंकि वो जोश आता ना एक म्यूजिक से। मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं, शरीयतन म्यूजिक वैसे ही सुनना हराम है। आप ऐसा सुन के एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बॉडी को आप फ़ायदा नहीं, सेहतमंद नहीं बना रहे, आप जहनी तौर से बीमार हो जा रहे। बॉडी अच्छी बन भी गई तो जहन बीमार हो जाएगा, बगैर म्यूजिक के आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इस बात को आप याद रखिए। और आदमी जिस चीज़ का आदी हो जाता है ना वो छोड़ नहीं पाता। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, एक हमारे जान पहचान के साहब थे, उनको आदत थी किसी भी गैर महरम लड़कियों को सलाम करते, स्पेशल सलाम, सादा सलाम नहीं था, सलाम अलैकुम स्पेशल जो होता वो सलाम करते थे। एक दिन उनके वालिद जिनको हार्ट अटैक आया, आईसीयू में पड़े हुए हैं, आईसीयू से निकलते गैर महरम लड़की थी सलाम कर दिया, बाद में तो आदत हो गई, बाप मर भी रहा तो सलाम चालू गैर महरम। जब आदमी एक गुनाह मासियत के काम को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, फिर वो हलाल काम कर भी नहीं कर सकता उस गुनाह के बगैर, समझ रहे आप, कि उधर वालिद बीमार है लेकिन वो आदत पड़ गई, वहाँ भी सलाम कर दिया, फिर इतना तौबा करे नादी मोरे अल्लाह बाप बीमार है मैं दुआ के लिए मस्जिद जा रहा हूँ यहाँ सलाम कर, समझ रहे हो। तो म्यूजिक वैसे ही गलत है, जब आप उसका आदी बना लेंगे जिसम हो सकता है अच्छा बन जाए लेकिन आपकी रूह को मार देंगी ये म्यूजिक, तो लिहाजा उसके साथ परफॉर्म करना बिल्कुल दुरुस्त और शरण जायज़ नहीं होगा।